मुझे देख के, हाँ सीटी मार के पढ़ाई लड़की को देखकर। ये सब हरकतें ना अपनी बंदी के साथ करना और फिर खूब हंसना और उसे भी हंसाना। पढ़ाई लड़की के साथ करोगे ना तो सिर्फ चांटे मिलेंगे, चांटे, समझ आई? और अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश भी की ना तो फिर देख लेना। चलिए आप सब भी काम कीजिए अपना। बेबे, सुरभि आई कि नहीं? नहीं, हाले तक नहीं आई मनिंदर। मैं फोन करके देखता हूं। बेटे कहाँ है तू? अभी अफगानिस्तान क्रॉस किया है पापा, बस बॉर्डर क्रॉस करके लंदन ही जा रही हूँ। अच्छा, ये बता कि तेरे पापा का घर वहाँ से कितना दूर है? नहीं पता, और वैसे भी मेरा उस घर में आने का कोई मन नहीं है। बता ना, कब घर आएगी तू? बोला ना पापा, नहीं पता। छोटी किथे है तू? मैं तुझे कितनी बार फोन लगा रही हूँ। मैं जानती हूँ तू गुस्सा है, ऐसे ना थोड़ी कोई घर छोड़कर जाता है। देख छेती घर वापस आ जा, घर में ना सब लोग बहुत परेशान है, पापा जी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। प्लीज घर वापस आ जा, और देख शाम होने को आई है, मैंने फिक्र हो रही है, प्लीज आ जा। कहा ना नहीं आना मुझे, किसी से कोई मतलब नहीं है मुझे, पर आप लोग ना मेरी इतनी फिक्र करना छोड़ दीजिए, मैं अकेली ठीक हूँ। छोटी करूं, आप लोगों के बगैर मेरा भी दिल नहीं लगता। चल छूटी। पापा, झूठ होता ना तो आती ही नहीं, सुना? अच्छा, इतनी देर लगा दी आने में। चल कोई नहीं, भूख लगी होगी ना, मैं अभी लेके आन दिया। नहीं, मुझे भूख नहीं है, और मैं आप लोगों से अभी भी नाराज हूँ। भूख नहीं लगी है, गन्ने भी नहीं खाने। गन्ने कहाँ है नानी? गन्ने वेड़े में रखे दरवाजे के पास। सच्ची? चलो ती गन्ने खाकर आते, चलो 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 हटो। वो कुछ रोटी छुट्टी मिलेगी लेके आती। चुटकी तू ऐसा क्यों करती है? तुझे पता है ना घर पे सब कितना परेशान होते हैं। दी मेरी छोड़, मैं तो हुई डिफेक्टिव पीस है ना। अब अपने बताओ, आपने कौन सा ये रोंदू मीना कुमारी का कोर्स कर रखा है? यार जिप सैड और त्यागी बने रहते हो। मतलब? मतलब कि जैसे आपको पता ही नहीं है, है ना, कितना कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, पर अपने लिए कभी कुछ नहीं बोलते हो। कभी कभी ना ऐसे लगता है जैसे भगवान ना आपका साइलेंट मोड का बटन ऑन करके भूल गया, हमेशा ही साइलेंट रहते हो हर बात पर। क्योंकि मैं इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती। चंगा तू मैनू ए दस, तू माँ और बीजी से कैसे बातें कर रही थी? कितों सीख के आंदी ये सब? सीखे सीख कर तो मैं बहुत कुछ आई हूँ कुड़िए, आपको भी सिखाऊं? वैसे मुझे पता है कि इस घर में आपको कुछ भी सिखाने से मना किया गया है, पर मैं तो सिखाऊंगी। एक बहुत काम की चीज है, सीख लो आंख मारना। आज ही सीख के आई हूँ, देखो एक बार। अच्छा सोचू, मेरी सौम्या दी अगर किसी लड़के को आंख मार दे, बाय गॉड उसकी तो वही डेथ हो जानी है। छोटी तो बाहर से ये सब सीख कर आती है। दी घर के रोज के ड्रामों से तो अच्छा ही है ना, कुछ इंटरेस्टिंग सीख कर आ रही हूँ और आपको सिखा भी रही हूँ। और वैसे बात को बदलो मत, मेरे पीछे हजारों लड़कों की लाइन है, अगर आप आंख मारना सीख लो तो दो चार आपके पीछे भी पड़ जाएंगे। अच्छा छोड़ो, देखो देखो ना, देखो देखो देखो, बैठ के आंखें मटका रही है तू, बहुत शरारती हो गई। चल तू मेरे नाल, मैं तेनू दसनी आ, आज तो मैं तेरी अच्छी तरह से खबर लेती हूं, तू चल मेरे नाल। दादी ना ना, मैं नहीं छोड़ना आज। दादी क्या कर रहे हो, लग रही है मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हां बैठ रही हूं मैं। दादी बिना दो पुत्र, दादी बिना तू ना अब इसका ब्याह कर दे।
दादी आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? हाँ सोमोदी भी तो है ना, और वो मुझसे बड़ी हैं। और पापा पहले ना आप सोमोदी की शादी करना, और पता है उनके लिए ना एक गबरू जवान ढूंढना। पहले मैं कुछ साल जीजू जीजू सुन लूं, जीजू जीजू कर लूं, उसके बाद कुछ साल तक मासी मासी सुन लूं, उसके बाद मेरे भी हाथ लाल पीले कर देना। सही कहा ना दादी? कैसे बताऊं सुमो को ये सच कि शादी के सपने देखना उसकी किस्मत में नहीं है, और साया भी तो आज तक उसी के पीछे पड़ी हुई है। चाहिए नहीं, मैं तो बस आपके पास सोने के लिए आई थी। पर पहले मैनू ये दसो, 10 साल हो गए, ये कटार अभी भी आपके तकिए के नीचे क्या कर रही है? और इतना क्या डर गए थे आप कि सीधा मुझ पे कटार ही चला दी? क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ सोमूदी, 10 साल से देख रही हूँ मैं ये कटार भी, और मम्मी का ये दुपट्टा भी जो आपसे बांध कर सोती है। तो इन बातों में ना पड़ मम्मी। झूठ नहीं, सच बताइए बात क्या है? तू सच जानना चाहती तो सुन। ये लाल दुपट्टा और वो कटार एक माँ का डर है। डर किससे? चुड़ैल से। कहीं वो मेरी बच्ची को फिर से उठा के ना ले जाए। What? सीरियसली मम्मी, बचपन से चुड़ैल चुड़ैल। Oh God, आप भी टू मच हो। छोटी माँ से ऐसी बात करते हैं क्या? तो और कैसे करूं? हाँ आपको नजर नहीं आ रहा ये क्या कर रही है आपके साथ? बच्ची हो आप, दूसरों के घरों में जाके देखो जरा लड़कियां कैसे रहती हैं। ओहो मैं तो भूल ही गई थी, रीको तो इस घर से बाहर जाने की आजादी ही नहीं है। दूसरों के घर जाने की बात तो बहुत दूर की है, इन्हें सिर्फ अपना पता है, अपने वश में रखना चाहती है ये आपको। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई बेटी। तू यही सोचती ना कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन भूल गई जब तेरी दीदी को उठा के लेके चले गए थे। तब से बचा दिया आयु, छुपा दिया आयु तेरी दीदी को मैं। मेरा रब जानता है कि मैंने इसकी कैसे परवरिश की है। लेकिन ये सब बस बहुत हो गया, नहीं करना कोई सवाल जवाब, जाओ यहाँ से, नहीं बात करनी किसी से भी। आप तो जानती है ना छोटी कैसी है। छोटी तो खा दिया ना माँ का दिल। छोटी तुझे क्यों लगता है कि माँ मेरे बारे में कुछ बुरा चाहेंगी? नहीं माँ, I'm sorry मम्मी, मैं नहीं बोलूंगी अब।
मुझे सच में आपके इस डर की वजह समझ में नहीं आती।